आईपीएल से दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच जो लगातार आप देख रहे होंगे पिछले एक डेढ़ महीने से जो न्यूज चल रही थी उसमें एक नया मोड़ आया है। बुन मोड़ क्या आया है इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। रोहित शर्मा फिर से मुंबई इंडियंस के कैप्टन बनने जा रहे हैं। जी हाँ, एक ब्रेकिंग न्यूज है ये कि रोहित शर्मा के दिन फिर से लौटे हैं और मुंबई इंडियंस के कैप्टन दोबारा से बनाए जा रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो जो मुंबई इंडियंस का जो टीम यूनिट है वो फिर से रोहित शर्मा की ओर रुख करने जा रहा है, और वो इसलिए है शायद T20 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी भी रोहित शर्मा करते हुए नजर आ रहे हैं और टेस्ट में भी लगातार वो कैप्टन अभी बने हुए हैं और जो वनडे सीरीज होगी उसमें भी रोहित शर्मा ही कैप्टन होंगे। तो शायद अब मुंबई इंडियंस इस बात का अंदेशा था कि शायद वो ना खेलेंगे, लेकिन अब कन्फर्म नजर आ रहा है और रोहित शर्मा के फैंस के लिए एक जबरदस्त खबर है और एक खबर बिल्कुल सच मान करके चाहिए चलिए। सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है कि रोहित शर्मा आईपीएल 2024 के लिए फिर से मुंबई इंडियंस को लीड करने वाले हैं। और हार्दिक पांड्या के लिए अब बुरे दिन लगातार चल रहे, तो उनके चोट ने जो परेशान किया था हार्दिक पांड्या को, वो उनका साथ नहीं छोड़ रही है और अब उनकी मुंबई इंडियंस से भी कैप्टेंसी लगभग जा चुकी है। तो रोहित शर्मा के फैंस के लिए बहुत जबरदस्त खबर है और फिर से मुझे लगता है कि अब जरूर जो मुंबई इंडियंस का जो फैन फॉलोइंग थी वो घट रही थी, अब फिर से इस खबर के साथ जरूर जुड़ने वाली है। दोस्तों कॉमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा।